अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांड नेम वैलिडेट करने की, कि जो आपने ब्रांड नेम चूज़ किया है क्या वो अवेलेबल है या वो ब्रांड नेम पहले से ही किसी ने ट्रेडमार्क करवाया हुआ है। तो आप जो है वो गूगल पे हैं, ट्रेडमार्क सर्च करें और ये USPTO.gov का जो लिंक है इसको ओपन करें। सर्च अवर ट्रेडमार्क डेटाबेस, बेसिक वर्ड मार्क सर्च, और इधर जो है वो आप अपना ब्रांड नेम एंटर करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नाइकी करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जी ये ट्रेडमार्क आ गई ऑलरेडी है, लाइव है। तो अगर इधर कुछ भी शो नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि आपके नेम के ऊपर किसी ने ट्रेडमार्क नहीं करवाया हुआ। सेकेंड जो है वो आप .com की डोमेन लाजमी चेक करें। अगर आपकी ब्रांड नेम की .com की डोमेन अवेलेबल है तो फिर जो है काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो ऑलरेडी रजिस्टर किसी ने नहीं करवाया हुआ। थर्ड जो है वो आप अपने ब्रांड नेम की सर्च करवाएं। जो भी आपका ब्रांड नेम है आप उसकी सर्च करवाएं। अगर तो रिजल्ट शो नहीं होते गूगल पे, या जो रिजल्ट शो हो रहे हैं वो आप की प्रोडक्ट से या आपकी जो निच है या आपकी जो कैटेगरी है उससे रेलिवेंट नहीं है, टोटल इररेलीवेंट है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ट्रेडमार्क अवेलेबल है और आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।